हेलो स्टूडेंट्स, हम आज क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं डायगोनल स्केल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर बिटवीन टू स्टेशंस ऑफ अ रेलवे मैप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेंथ ऑफ 70 मिलीमीटर ऑन द मैप एंड कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल टू रीड डिस्टेंसेस ऑन द मैप करेक्टली टू अ किलोमीटर एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर 300 kilometers. Also mark on this scale length corresponding to 176 kilometer and 204 kilometers. तो जो जरूरत होती है हमको representative fraction में values की वो इसमें mentioned है और हम उन values को use करेंगे। तो given है 140 kilometer represented by 70 millimeter. तो 70 millimeter की line हम शीट पे अगर ड्रॉ करते हैं तो वो रिप्रेजेंट कर रही होगी 140 किलोमीटर के डिस्टेंस को। तो चलिए आगे सॉल्व किया जाए। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ओ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग मेंशन है 70 मिलीमीटर एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 140 किलोमीटर। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों यूनिट्स को इक्वलाइज किया हमने और उसके बाद जब सॉल्व किया तो हमको मिला रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन equals to 1 by 2 into 10 raised to the power 6. Next, अब length of scale की बारी आती है। Length of scale equals to RF multiplied by maximum length. तो maximum length जैसा कि question में mentioned है, P long enough to measure 300 kilometers. So 300 kilometer maximum length हो गई यहाँ पर। हम next step में 300 kilometers को millimeter में convert करते हैं, 10^6 से multiply करके। अब इसका फर्दर सॉल्यूशन मिलता है हमको। लेंथ ऑफ स्केल इक्वल्स टू 150 मिलीमीटर। 150 मिलीमीटर की जो लाइन है हम ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करेंगे और उस 150 मिलीमीटर की लाइन पे ड्रॉ करने के बाद 5 सेंटीमीटर की हाइट रहेगी और ये रेक्टेंगल जो बन जाएगा इससे स्केल रिप्रेजेंट होगा। अब उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है 300 किलोमीटर उसको नीचे यहाँ लिख दिया जाएगा। आफ्टर दैट representative fraction equals to 1 is to 2 into 10 is power 6 ये भी यहाँ हमने mention कर दिया। अब 300 kilometers है तो 300 kilometers कितने part पे divide करना है इसको study करने के लिए पहले हमको ये चीज समझने की जरूरत है कि वहाँ पर question में क्या क्या mention किया हुआ है जिससे हम उसकी divisions को decide कर पाए। A diagonal scale to read distances on the map correctly to a kilometer मतलब smallest unit जो ये मेजर कर सकेगा स्केल वो होगा अ किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर उसकी होगी एक्यूरेसी। तो जिस स्केल की एक्यूरेसी बताई हुई है वो एक्यूरेसी इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन यहाँ पर शो करता है इन पार्ट्स पे उसकी एक्यूरेसी दिखती है कि हाँ ये इतना एक्यूरेट है। तो किलोमीटर सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन आने वाला है यूनिट आने वाला है इसमें। ठीक, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं 300 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जब ऐसा करते हैं तो यहाँ पर 0, 100 और 200 मार्क कर देते हैं और यहाँ नीचे लिख देते हैं किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब ये 100 किलो 100 किलोमीटर के 3 डिविजन मिले हमको तो क्यों ना इसको भी फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो 10-10 किलोमीटर के डिविजन मिलेंगे। तो यहाँ पर हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑब्लिक लाइन से ड्रॉ करते हैं, डायगोनल स्केल है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यहाँ पर आप देख लीजिए 10-10 किलोमीटर्स के डिविजन मिले और नीचे हमने यूनिट लिख दिया किलोमीटर्स सिंस मोर देन 1 किलोमीटर है इसकी। अब ये जो 10-10 किलोमीटर के डिविजन मिले हैं इनको फर्दर हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये हम इस वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे यहाँ पर 5-5 मिलीमीटर के पॉइंट्स मार्क करके। तो यहाँ पर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमने किलोमीटर यूनिट शो कर दिया है। अब टाइम है इसके लेंथ को शो करने का जो उसने मेंशन की हुई है। आल्सो मार्क ऑन द स्केल लेंथ करस्पोंडिंग टू 176 किलोमीटर एंड 204 किलोमीटर। 176 किलोमीटर के लिए देखिए 100 से 0 देन 50 160 170 आगे 6 बचा 1, 2, 3, 4, 5, 6
ये देखिए यहां से यहां तक इस पॉइंट, दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा 176 किलोमीटर होगा। आगे आता है उसमें एक और डिस्टेंस शो करने के लिए बोला है, दैट इज 204 किलोमीटर। 204 किलोमीटर के लिए 200 डिवीजन है, जो फर्स्ट सब डिवीजन है वो जीरो ही रहेगा, उसके टेंस प्लेस में कुछ नहीं है, इसलिए जीरो को जीरो पे रखेंगे। देन थर्ड जो, या यू कहें कि यूनिट्स प्लेस में आ रहा है 4 1 2 3 4, यहां से मार्क करके यहां तक डिस्टेंस शो कर देंगे 204 किलोमीटर्स। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन क्लियर है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। और कोई भी डाउट अगर आपको है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अब सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें।